आजकल ना ये ट्रेंड इतना ज़्यादा वायरल चल रहा है ना कि सभी लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग यूट्यूब पे, और कुछ लोग ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं। तो ये है कॉफ़ी हैक, जो इंस्टेंट कॉफ़ी ना छन्नी से बनाते हैं, स्ट्रेनर से। तो मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ और आप सबको बताती हूँ कि ये कॉफ़ी सही में अच्छी बनती है, उन्हीं उसी टाइम में बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 ग्लास की क्वांटिटी लेके चल रही हूँ। तो इसमें मैं 2 चम्मच मीन्स 2 पैक जो है इंस्टेंट कॉफ़ी के डालूंगी, नेस्कैफे के। उसके बाद 4 चम्मच यहाँ पे मैंने शुगर ली है। आप चाहो तो अगर शुगर मेल्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगा तो आप चाहो तो पाउडर शुगर भी ले सकते हो, तब आप ना 5 टेबल स्पून लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना 1 चम्मच जो है गर्म पानी डालेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं, ल्यूकवार्म होना चाहिए। अब इसको अच्छे से छन्नी की हेल्प से ना इसको बीट करते जाओ। आपको तब तक इसको बीट करना जब तक ये चीनी मेल्ट ना हो जाए और जैसे कॉफ़ी होती है वैसे ना हो। तो मैं लगी थी इसको करने 5 मिनट तो लग गए थे, मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, एक मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पे ठंडा पानी ले लिया था। अगर आप लिक्वम में तो शायद वो जल्दी जो चीनी है मेल्ट हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फेंटा इसको मैंने 5 मिनट तक। तो आप देख लो 5 मिनट तक भी ना ये चीनी ना थोड़े थोड़े पीसेस में रह गए थे, मैंने थोड़े से क्रिस्टल रह गए थे। तो तब भी मैंने इसको दोबारा से फेंटा, ठीक है। और उसके बाद ना अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी ना थोड़ा सा पानी डालने की, तो 1 बूंद पानी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो अब दोबारा 3-4 मिनट लगे थे। तो अब यहाँ पे जाके ना कॉफ़ी थोड़ी सी रेडी हुई है। अब मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई बना सकते हैं। वैसे तो मुझे लगा था यार इससे अच्छा बीटर ही क्यों ना ले लें, लेकिन बीटर में भी इतना टाइम लगता है तो ये चल सकता है। जिनके पास बीटर नहीं है ना तो वो ज़रूरी मतलब वो ज़रूर इस हैक को ना फॉलो करें, ठीक है। तो जैसे लाइट वगैरह भी नहीं होती है तो है ना, तो यहाँ पे कॉफ़ी हमारी रेडी हो गई है टोटल 10 मिनट्स के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सिस्टर को चाहिए थी कोल्ड कॉफ़ी, उसको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, मुझे ज़्यादातर हॉट कॉफ़ी पसंद है। तो मैंने उसके लिए 1 गिलास में जो है कोल्ड कॉफ़ी बनाई। तो ये मैंने देखा कि चॉकलेट सिरप रखा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे होटल्स में देते हैं ना, रेस्टोरेंट में, तो मैंने उस तरह से इसको डेकोरेट किया, ठीक है। थोड़ी देर फ्रीजर में लग दिया, ये अच्छे से ग्लास जो है डेकोरेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी कॉफ़ी जो रेडी हुई है, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है इसमें डाले कॉफ़ी के। नहीं से ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, आप ट्राई करो, आपकी फेवरेट हो जाएगी ये वाली कॉफ़ी। मैं पहले भी बनाती थी, ऐसे ही बनती थी सेम, ठीक है। तो आप बना सकते हो अगर आपके पास बीटर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ठंडा दूध इसमें डाल दिया और ऊपर से ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा और मैं डाले तो आगे और जो है ऊपर से अच्छे से दिखे। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने लास्ट में कोको पाउडर ऐड किया है इसमें, और दूध पिक के साथ इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया, ठीक है। डिज़ाइन बनाने के बाद आप चाहो तो इसमें चॉकलेट सिरप दोबारा से ऐड कर सकते हो ऊपर, ठीक है, अपने हिसाब से गार्निशिंग आप कर सकते हो। तो अब मैंने अपनी सिस्टर को दिया टेस्ट करने के लिए, तो देखो वो टेस्ट करने जा रही है, आप शायद उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, देखते हैं। हाँ मुझे लग रहा है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसे तो पसंद आ गया, अब आप भी बनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।